न्यूज में आज देखिए, नवी मुंबई में त्रिदिवसीय एक्सपो प्रवास में बुद्धिजीवियों का लगा जमावड़ा, ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बीके बहनों ने की मुलाकात, यातायात के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं से कराया अवगत। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूं पूजा। नवी मुंबई के वाशी से जुड़ी इस खबर के अलावा बुलेटिन में आज, संस्था के सोशल एक्टिविटी ग्रुप द्वारा जारी है प्लांटेशन का कार्य, तपोवन में 300 आम के लगाए गए पौधे, बड़े होने तक रखवाली करने का संकल्प। बेंगलुरु के बसवानागुड़ी में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आयोजित हुई हैप्पी ट्यूड आईटी रिट्रीट, तो नागपुर के विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में शिक्षकों के लिए नई पीढ़ी का नैतिक मूल्यों का विकास, एक आह्वान विषय पर सेमिनार। और आखिर में जापान की राजधानी टोक्यो में अर्थ एनवायरनमेंट एंड मेडिटेशन थीम पर ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित, बीके जयंती ने क्लाइमेट चेंज पर व्यक्त किए अपने विचार। नवी मुंबई के वाशी में सिडको प्रदर्शन केंद्र में BOCI यानी भारत के बस और कार ऑपरेटर्स परिसंघ द्वारा त्रिदिवसीय इंडिया इंटरनेशनल बस एंड कार ट्रेवलर शो प्रवास 2019 एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई समेत देश के बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी शामिल हुए। इसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती, वाशी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। आगे राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शिवसेना यूथ विंग में युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, BOCI के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन से भी मुलाकात कर सितंबर में मुख्यालय में आयोजित होने वाले गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता विषय पर यातायात एवं परिवहन प्रभाग के सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। एक्सपो में आयोजित पुरस्कार समारोह में बीके कुंती ने संबोधित किया और ब्रह्मा कुमारीज तथा परिवहन प्रभाग द्वारा यातायात के क्षेत्र में की जा रही सेवाओं के बारे में बताया। इसी तरह एक्सपो के प्रतिभागियों के लिए सेमिनार हॉल में पैरेलल सत्र में बीके सुवास ने तनाव प्रबंधन विषय पर अपना वक्तव्य दिया। वहीं प्रश्नोत्तर सत्र में बीके कुंती ने अपने त्वरित और संतोषजनक प्रतिक्रियाओं से दर्शकों को आश्वस्त किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सोशल एक्टिविटी ग्रुप की ओर से लगातार प्लांटेशन का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में संस्थान के तपोवन में आम के विभिन्न जातियों के 300 पौधे लगाए गए। मुख्यालय में देश भर से आए वरिष्ठ सदस्यों ने इस मौके पर आम के पौधे लगाए तथा उसे पेड़ बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पौधे लगाने पहुंचे ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने कहा, जितने पौधे लगेंगे उतनी ही हमारी सांसें आजाद होंगी। इस अवसर पर संस्था की कोषाधिकारी राजोगिनी दादी ईशु ने कहा कि सूखे और अकाल से बचने के लिए हर एक को पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। आपने आज पौधा लगाया, उसकी संभाल सार संभाल करते करते कैसे वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा और उसके भी आम पहले आप आकर के टेस्ट करना, फिर दूसरों को खिलाना। तो ये विशेष एक सामाजिक अभियान है। आज ये पेड़ लगा रहे हैं तो इससे बहुत बहुत अच्छी उम्मत होगी, बाबा भी देख करके खुश होगा। इस दौरान लोगों ने पौधों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही लोगों से आह्वान किया कि अपने अपने स्थान पर जाकर भी पौधे लगाएं तथा पर्यावरण की रक्षा करें। इस कार्यक्रम में सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत समेत कई लोगों ने पौधे लगाए। मौके पर बीके रामसुख मिश्रा, बीके मोहन, बीके भानु, बीके सचिन, बीके अमरदीप समेत संस्था के अन्य कई वरिष्ठ सदस्यों की भी उपस्थिति रही। हम न केवल वृक्ष हरित क्रांति के लिए लगा रहे हैं, बल्कि ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, विशाल है, तो ये विशाल परिवार और दिन दोनी रात चौगनी बढ़ेगा। पहले वर्षों के लिए हमें वेट करना पड़ता था कि वृक्ष कब फलेगा, परंतु अभी विज्ञान ने ये तो अच्छा किया है कि जल्दी जल्दी पेड़ फलदायी बन जाते हैं और एक वर्ष के अंदर ही फल देना शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से हम आज जो प्लांटिंग करते जा रहे हैं
और इससे बहुत ही लाभ होगा कि जब हम एक पेड़ काटते हैं तो बहुत सारी स्पीशीज खत्म होती हैं, और जब हम एक लगाते हैं तो उसके साथ में लाखों करोड़ों जीवाश्म कीटाणु जीवाणु और बहुत सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। हमारे दुख का कारण कई बार हमारी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारा स्वभाव होता है। अगर स्वभाव खुशनुमा बन जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा के किरण की अनुभूति होती है। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर बेंगलुरु के बसवानागुड़ी स्थित वरदानी भवन में हैप्पी एटीट्यूड यानी हैप्पीट्यूड विषय पर विशेष आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने उद्बोधित किया। तो वहीं आगे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर और डायरेक्टर डॉक्टर पुरुषोत्तम बंग ने अपने दिल के उद्गार रखे। सो देन प्रोबेबली happiness is not an always phenomena, it is dependent on two external circumstances, right? Now friends, please understand one thing, I'm not here to change you because I'm myself struggling to change myself, so let me completely change myself, then I'll try to do it with you, theek hai na? Okay, so I'm not here to change any one of you, I'm here to question certain models that we have. इस कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन से हुआ था, जिसके पश्चात राजयोग शिक्षिका बीके स्नेह ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया, तो वहीं बीबीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने अपने विचार रखे। समटाइम्स एम्प्टी विद इन एंड वी नीड समथिंग व्हाई इज अ क्वेश्चन एंड फॉर द एवरलास्टिंग हैप्पीनेस द मेथडोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट बट इन ब्रह्मकुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय which really gives a wisdom or the guidance, the godly guidance, which really teaches us to be happy. आगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत एजुकेशन सोसाइटी, जनरल मोटर्स कंपनी लिमिटेड समेत अनेक कई स्थानों पर बीके ईवी गिरीश ने पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हैप्पीट्यूड एंड स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कई विषयों पर सेशंस लिए। अगली खबर नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की है, जहां विशेष शिक्षकों के लिए नई पीढ़ी का नैतिक मूल्यों का विकास एक आह्वान विषय के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका आगाज माध्यमिक जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी SN पटवे, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, संस्था के व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परव एवं स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रेम द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर आए बीके डॉक्टर सचिन परब ने विषय के अंतर्गत करीबन 1200 की सभा को प्रेजेंटेशन के माध्यम से मार्गदर्शित किया, तो वहीं आगे मुख्य अतिथि SN पटवे और बीके रजनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारताचा नागरिक संसदेत तयार होत नाही, तो शाळेमध्ये तयार होतो आणि करणारे असतात शिक्षक, त्यामुळे शिकवणं हे फार पुण्याचं काम आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे। शिक्षा के बाद एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आदमी को फिर से अलग से नैतिक शिक्षा देने की जरूरत पड़े तो वह शिक्षा, वह शिक्षण, वह एजुकेशन किसी काम का नहीं है। तो इन बातों को हमको ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक प्रण लेते हुए आगे जाना है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी को राजयोग द्वारा परमात्मा अनुभूति कराने के साथ साथ व्यसन मुक्ति के लिए भी प्रतिज्ञा कराई गई। मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित प्रभु उपवन में जिंदगी बने आसान विषय पर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने अपना वक्तव्य देते हुए सही अर्थों में जीवन जीने की कला सिखाई। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है प्रेजेंट समय पास्ट में भी हो के गया है, जो बातें जो परिस्थिति और अभी भी जो हो रही है उसका बीज फाउंडेशन आधार ये हमारा सोच है। अगर जिस व्यक्ति को ये एडजस्टमेंट करना आ गया, हर सरफेस पे चलना, हर परिस्थिति स्थिति में खुश रहना, उसके लिए जिंदगी क्या है? आसान।
और जो कहता है कि यहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है वो कभी अपनी लाइफ से खुश नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के चलते योगाचार्य भारतेंदु व बीके प्रदीप ने गीत एवं संगीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बिजनेसमैन विजय पांडे समेत अनेक कई विशिष्ट लोग शामिल थे। दिल्ली के मंडावली सेवा केंद्र द्वारा मधुमेह से संपूर्ण आज़ादी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत ने सभी को मधुमेह से निजात पाने की युक्ति सिखलाई, साथ ही शारीरिक व्यायाम कराकर स्वस्थ रहने के भी टिप्स दिए। इस कार्यक्रम का आयोजन आईपी एक्सटेंशन में किया गया था, जिसमें बी के सदस्यों समेत सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, मयूर विहार फेज 3 के प्रभारी बीके सीमा की भी मुख्य उपस्थिति रही। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 ए स्थित राजयोग भवन में मुख्यालय माउंट आबू से ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला के पहुंचने पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद समेत सभी वरिष्ठ बीके बहनों द्वारा उनका स्वागत हुआ। आगे सेवा केंद्र पर विशेष बीके सदस्यों के लिए आयोजित योग तपस्या कार्यक्रम में बीके निर्मला ने सभा को संबोधित करते हुए सोल कॉन्शियसनेस स्टेज पर गहराई से मार्गदर्शित किया। हरित भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत जयपुर के सांभर लेक में नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित पार्क में स्थानीय ब्रह्मा कुमारिस के संयुक्त प्रयास से पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि प्रकृति और मानव जीवन के लिए हरियाली का होना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने भी उद्यान में पौधे लगाए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में खबरों की शुरुआत आज जापान की राजधानी टोक्यो से है, जहां मेग्यूरो पेर्सिमोन हॉल में अर्थ एनवायरनमेंट एंड मेडिटेशन थीम पर भव्य कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारिस को विशेष आमंत्रित किया गया। हाउ टू लिव माइसेल्फ एंड क्लाइमेट चेंज, इन दो गहन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देवा अनुसंधान संस्थान के मुख्य शोधकर्ता मेरिको कवगुची, शिजेन कान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिदेटेक एनोमोटो एवं मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारिस की निदेशिका बीके जयंती ने सत्र लिए। And what you saw then has actually increased to the point where we see that there's a total disconnect in which we're trying to find happiness and love and peace outside and forgetting that it's actually within us. इस कार्यक्रम का आगाज 6 टीनेजर्स द्वारा इंग्लिश और जापानीज में क्लाइमेट चेंज विषय पर पोएट्री एक्ट से हुआ, तो वहीं आगे पैनल डिस्कशन में सभी मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसके पश्चात राजो कमेंट्री से बीके जयंती ने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। लगभग 600 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी किया। बीके जयंती के जापान दौरे के दौरान कोबे में भी बीके मेंबर्स के लिए गेट टुगेदर एवं आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके जयंती ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की। इस दौरान बीके मेंबर्स मीट में ब्रह्मा कुमारिस में जापान एवं फिलीपींस की डायरेक्टर बीके रजनी की भी विशेष मौजूदगी रही। अगली खबर इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार स्थित ब्रह्मा कुमारिस के हिमालय सब सेंटर की है, जहां करीबन 22 मेडिकल स्टूडेंट्स ने अवलोकन किया, साथ ही आध्यात्मिकता और उससे जुड़े कुछ गहन पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान इंडोनेशिया में ब्रह्मा कुमारिस के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी ने सभी को सकारात्मक चिंतन के महत्व के साथ सेल्फ चेकिंग की विधि सिखाई। आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।